हेलो एंड वेलकम टू ज़ेब व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? अभी आज मैं एक शेज़वान या मंचूरियन भज्जी की रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। शुरू के लिए आपको एक बस एक पतीला लेना है, उसके बाद थोड़ा सा आपको मैदा लगेगा डस्टिंग के लिए। इसका रीज़न मैं आगे व्लॉग में बताऊँगी क्यों। फिर उसके बाद ऑफकोर्स चॉपिंग बोर्ड चाहिए, कैबेज तो चाहिए, गोभी, पत्ता गोभी जो मेन है यहाँ पर, भज्जी और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ताकि क्रिस्पी हो जाए। इतना ज़रूरी नहीं है बट मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ ताकि क्रिस्पी हो जाए। थोड़ा नमक चाहिए और उसके बाद शेज़वान चटनी। मैं यहाँ चिंग्स का शेज़वान चटनी यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी लोकल जो भी मिलता है नूडल्स वगैरह के साथ वो भी यूज़ कर सकते हैं। नाइफ एंड चॉपिंग बोर्ड। यहाँ मैं कैबेज को कैसे कट करूँगी मैं बता रही हूँ। पहले कैबेज को हाफ करिए, उसके बाद उसको चार हिस्सों में, हाफ और हाफ को और हाफ में कट करिए, चार हिस्से मिल जाएंगे। बाहर के जो पत्ते हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, इससे उसे मैं वापस बाहर निकाल रही हूँ ऐसे। इसको हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, डोंट वरी, यहाँ हम लोग कुछ वेस्ट नहीं करते हैं। फिर पतीले में मैं एक चॉपिंग, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैप्शन, इसको यूज़ करके मैं इसको ऐसे चॉप कर रही हूँ। जैसे कि सेम वे जैसे कांदे की भजी में कांदा काटते हैं छोटा छोटा, वैसे पतला पतला, वैसे यहाँ पर मैं इससे चॉप, इससे काट रही हूँ ताकि आसानी से चॉप हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं कैसे कर रही हूँ। अब नियरली हमारा गोभी, पत्ता गोभी यहाँ पर चॉप हो चुका है अच्छे से, देख सकते हैं आप लोग कितना फाइनली चॉप हो गया है। अभी जो पत्ते मैंने पहले अलग निकाले थे, जो वो इससे ग्रेटर से वो ये चॉप होने बहुत मुश्किल थे, इसलिए मैं यहाँ नाइफ से कट कर रही हूँ। छोटे पतले पतले हिस्सों में उसको हाफ करूँगी, मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इसको मैं वापस से डालूँगी और इंक्लूड करूँगी। इवन जो बीच का जो पार्ट होता है गोभी में, ये बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए या फेंक देना चाहिए, बट मुझे वो वाला पार्ट थोड़ा क्रिस्पी लगता है क्योंकि वो कड़क होता है और उसके पार्ट अगर कट किए अच्छे से तो थोड़ा क्रिस्पी लगता है। यहाँ मैं शेज़वान चटनी डाल रही हूँ। आप कितने भी पैकेट ले सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर है। मैं यहाँ दो ही पैकेट डाल रही हूँ 10 रुपीज़ के जो आते हैं वो, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी कुछ भी नहीं पसंद है। और यहाँ मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, इतना ज़्यादा रेड कलर नहीं आएगा तो डोंट वरी, आप बाद में थोड़ा सा टोमेटो रेड कलर का कलर डाल सकते हो। थोड़ा मतलब एक पिंच भी नहीं, पिंच का भी 1/4, क्योंकि वो कुछ कुछ एक मैं पिक्चर इंसर्ट करूँ ये आता है, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है। और यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ ताकि पहले ही डाल दूँ शेज़वान चटनी, पहले से उसमें नमक होगा तो मैं यहाँ पर कंसिडरेबल अमाउंट डाल रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैदा मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ जो आगे चल के मुझे यूज़ करने में आसानी हो। ये मेरे घर का फ़ोन हमेशा बजता रहता है जो आपको सुनाई दे रहा होगा। अच्छे से मिक्स कीजिए। मेरे फ़ोन की लाइटिंग थोड़ी सी ये है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, एकदम रेड दिख रहा होगा बट इतना भी रेड नहीं, मैंने थोड़ा सा कलर डाला था इसमें। और देखो मेरे हाथ कैसे हो गए, ये है मेहनत का हाथ, मेहनत तो करनी पड़ती है। देखिए थोड़ा सा मैदा मैं यहाँ पर सेपरेटली एक बाउल में निकालूंगी। ये मैं आपको बताती हूँ क्यों, ये इसलिए क्योंकि शेज़वान भज्जी में ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने पैन रख दिया है,
फ्राई तेल गरम होने के लिए तवा और हाई फ्लेम में उसको रखो ताकि जल्दी से, क्योंकि शेजवान चटनी को नॉर्मल चटनी से ज़्यादा टाइम लगता है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं शेजवान चटनी देखो बाइंड नहीं होती, मैंने थोड़ा मैदा डाला है फिर भी पानी छूट जाता है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लूँगी, थोड़ा सा उसमें मैदा डस्ट करूँगी, वापस से यहाँ रखूँगी ताकि ख़राब ना हो, और एक बॉल फॉर्मेट में बनाऊँगी ताकि वो बाइंड हो जाए तभी के तभी, और फिर उसको फ्राई करूँगी जैसे कांदे भजी का कंसिस्टेंसी होता है वो। ऑलरेडी अगर आप लोग डालोगे मैदा तो कितना भी डालोगे तो भी उतना बाइंड नहीं होगा, इसलिए मैं सेपरेटली ऐसे करती हूँ। पता नहीं आप लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हो, बट मेरे लिए ये वर्क करता है और इससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी भज्जी बनती है, इसलिए मैं ऐसा अपनाती हूँ। तो यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ शेजवान चटनी को, नॉर्मल शेजवान भजी को नॉर्मल भजी से ज़्यादा टाइम लगता है, तो प्लीज़ उस बात का ध्यान रखिए, आपके पैर दुख सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे भजियाँ बहुत टेस्टी बनेंगी। ये देखो क्रिस्पी सी भजी मेरी बन चुकी है, सेकेंड बैच बना रही हूँ मैं। देखो यहाँ पर मैंने अच्छे से बाइंड नहीं किया था, इससे ये बिखर गए थे, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से फॉलो करिए जो भी मैं बोल रही हूँ और मैदे का कैसे यूज़ करना है वो। तो होपफुली आपके भजिया देखो जैसे अभी यहाँ पर बाइंड हो चुका है, तो कैसे एक ही इसमें है, एक ही बॉल फॉर्मेट में, एक ही जगह पे, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उसको छेड़िए मत, जब अच्छे से वो ऊपर आ जाए और बबल थोड़े कम हो जाए तब उसको पलटना, उससे पहले नहीं। तो ये थी मेरी रेसिपी शेजवान भज्जी की।